So students, this is filling the blanks. This you have to complete in your book. And this is answer these questions. This you have to write down in your English notebook. I will send the PDF. And see, this is value and life skills. This is very important. Importance of heritage. We need to protect our ancient palaces and monuments as they preserve our culture and tradition. In order to protect our tradition, we need to follow certain rules. Do you know what you should do when you visit an important palace or monument? See students, हमारा जो ये पैलेस है, ये मॉन्यूमेंट है, ये हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है. सो इसको अच्छे से रखना. प्रोटेक्ट दिस ट्रेडिशन एंड आवर कल्चर, इट्स इन आवर हैंड. सो वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स. सो क्या आप लोगों को पता है कि हम अगर किसी पैलेस में, किसी महल हो, कोई बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हो, पैलेसेस हो, वहां पर घूमने के लिए जाएं तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं? टिक द थिंग्स दैट यू शुड डू. टिक करना उन चीजों को जो हम उस पैलेस में या मॉन्यूमेंट्स में घूमने जाएंगे तब करेंगे. एंड क्रॉस द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू. ओके, I should spit on the lawns of the monument. क्या हम जो monument है, जो महल है, उसके lawns में क्या थूकेंगे? No, this is wrong. I should pluck flowers and fruits. You should pluck the flowers and fruits. तुम वहाँ के flowers और fruits को तोड़ोगे? Obviously no. I should maintain silence in and around the monument. जो महल है उसके चारों तरफ जब हम घूमने जाएंगे तो हम क्या वहाँ पे shout करेंगे? No. कैसे रहेंगे वहां पे? साइलेंस. दिस इज राइट. आई शुड स्टैंड इन अ क्यू टू एंटर द मॉन्यूमेंट. जब हम मॉन्यूमेंट में एंटर करेंगे तो हम कहाँ खड़े रहेंगे? क्यू में खड़े रहेंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, है ना? सो दिस इज राइट. आई शुड नॉट टच द मॉन्यूमेंट. यस, हमें मॉन्यूमेंट्स को टच नहीं करना है. आई शुड थ्रो प्लास्टिक रैपर्स इन द डस्टबिन. ऑब्वियसली अगर हम कुछ चीज पे हमारे साथ जो प्लास्टिक रैपर्स हैं, चिप्स के हो, चॉकलेट्स के हो, उन रैपर्स को हम क्या करेंगे? वी शुड थ्रो इन द डस्टबिन. राइट. आई शुड राइट माई नेम ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट. क्या हम अपने नाम लिखेंगे मॉन्यूमेंट्स में? नो, हमें मॉन्यूमेंट्स को टच नहीं करना है, उनको गंदा नहीं करना है. सो वी शुड नॉट राइट द नेम ऑन द वॉल ऑफ द मॉन्यूमेंट. सो दिस इज क्रॉस. यू हैव टू डू इट इन योर बुक. And next is vocabulary. This is cross out the odd word. जो word odd है हम उनको cross करेंगे. Fabric, embroidery, material, cloth. ये जो कपड़े हैं, कपड़ों के material होते हैं और fabric होते हैं, embroidery नहीं होती. This is odd word. So we have to cross here. Add on, decorate, beautiful, good. किसी भी, कोई भी चीज हम decorate करेंगे, सुंदर दिखेगा, है ना, pattern रहेगा, लेकिन gold नहीं होगा. Spot, venue, place. ज्वेलरी नहीं होगा. प्लेस, वेन्यू, स्पॉट एक ही चीज है, बट ज्वेलरी इज ऑड वर्ड. टूरिस्ट, ट्रेवलर, विजिटर सेम वर्ड बट मॉन्यूमेंट इज डिफरेंट. कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, हेरिटेज. हम किसी से कनेक्शन किसी से कॉम्बिनेशन करेंगे, किसी चीज के थ्रू कनेक्ट रहेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन हेरिटेज जो है डिफरेंट है, ऑड वर्ड है. सो वी शुड क्रॉस हियर. कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ये तीनों एक ही है, लेकिन वाइल्ड लाइफ जो है अलग है, ऑड वर्ड है. सो वी शुड क्रॉस हियर. सो यू हैव टू डू इट इन योर बुक. सो यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, देन लेट मी नो. ओके, थैंक यू.